आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं राज किरण हूं आपके साथ। कुमार विश्वास देश के प्रतिष्ठित कवियों में से एक है। ये जब मंच से लोक कथाओं का वर्णन करते हैं तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठते हैं, मानो उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है। इसी कड़ी में प्रसिद्ध कवि इंदौर में अग्रवाल पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। आपको बता दें कि यहां कुमार विश्वास ने मंच से राम का सुंदर वर्णन किया, साथ ही उन्होंने बच्चों से एकलव्य और प्रह्लाद की कहानियां पढ़ने को भी कहा। भगवान शंकर ने माता पार्वती से यह कहा था कि जो कहानी है ये ताली के समान है, और ये कैसी ताली है, कलयुग रूपी वृक्ष पर जो संशय रूपी पक्षी बैठा है ये उसे उड़ाने वाली है। जो गांव से संपर्क रखते होंगे उन्हें पता होगा कि फसल पक जाने के बाद, मटर आ जाने के बाद, गेहूं आ जाने के बाद, आम के बाग में आम पर मोर आ जाने के बाद, परिवार के एक व्यक्ति की जिम्मेदारी इस बात की लगाई जाती है कि वो दिन भर तालियां बजाता है, मचान पर बैठकर गुलेल से पत्थर फेंकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे इजाजत चाहूंगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।